उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों की महंगी कीमतों से राहत देने के लिए मोदी सरकार के सालाना 20-20 लाख टन सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के शुल्क मुक्त आयात करने की छूट देने के बाद भी देश में इन तीनों तेलों की कम सप्लाई की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जितनी मात्रा में शुल्क मुक्त आयात की छूट दी गई है उसके मुकाबले घरेलू मांग काफ़ी अधिक है। इन तेलों की बाकी मांग को आयात के माध्यम से पूरा करने के लिए आयातकों को 5.5% का आयात शुल्क अदा करना होगा, लेकिन इस शेष शुल्क अदायगी वाले तेल को शुल्क मुक्त आयाती तेल से ही प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिसकी वजह से आयातक नए सौदे खरीद नहीं रहे हैं और इसकी वजह से देश में कम सप्लाई की स्थिति बन चुकी है। इससे सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के दाम सस्ता होने की बजाय और महंगा हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उपभोक्ताओं को सोयाबीन तेल 7 रुपये किलो तो सूरजमुखी तेल 20 से 25 रुपये किलो महंगा मिल रहा है। सरकार को तत्काल इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं जानकारों का कहना है कि सरकार या तो शुल्क मुक्त आयात की सीमा को खत्म कर दे या फिर पहले की तरह 5.50% का आयात शुल्क लगा दे। इससे घरेलू बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ताओं को सस्ता खाद्य तेल मिलेगा और सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार आगामी त्योहारों और सर्दियों के मद्देनजर हल्के खाद्य तेलों की मांग और बढ़ सकती है, क्योंकि जाड़े के मौसम में जम जाने के कारण पाम तेल की मांग काफी कम हो जाती है। ऐसे में कम सप्लाई की स्थिति को समाप्त करना समय की मांग है। जिन आयातकों ने महंगे भाव पर आयात कर रखा था उन्हें खाद्य तेलों के घरेलू दाम टूटने के कारण खरीद भाव के मुकाबले लगभग आधे दाम पर अपना माल बेचने पर मजबूर होना पड़ा था। आयातकों को भारी नुकसान हो रहा है और उनके बैंकों का कर्ज डूबने की स्थिति में पहुंच चुका है। त्योहारी मांग के कारण दिल्ली के तेल तिलन बाजार में लगभग सभी खाद्य तेलों में तेजी देखने को मिल रही है। मांग घटने से केवल मूंगफली तेल तिलन की कीमतों में गिरावट आई है। माना जा रहा है कि त्योहारों के मद्देनजर खाद्य तेलों की कीमतों में फिलहाल तेजी बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।